देखो आप देख सकते हैं ये बाइक आधी डूब चुकी है इस पानी में, और ये आदमी कैसे निकलेगा ये भी हैरत करने वाली बात है, क्योंकि हम जैसा कोई व्यक्ति तो इस सड़क को पार भी नहीं कर पाएगा। देखो आधी बाइक डूब चुकी है, इतने गड्ढे हैं इस सड़क में। सकते हैं ये स्कूली बच्चे आ रहे हैं सामने से। अब ये देखो यहाँ पैदल निकलने के बारे में भी बड़ा सोचना पड़ रहा है इन बच्चों को। ये मार्ग ऐसा है, इस पर कई स्कूल हैं, लोगों के घर भी हैं, पेट्रोल पंप भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ये स्कूली बच्चे पैदल निकलने में भी इस रास्ते में सोच रहे हैं। अगर ये साइकिल से या किसी टू व्हीलर से होते तो बड़ी इन्हें दिक्कत होती। हाँ आप एक मिनट आएंगे। हाँ आप यहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एसएसडी कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? ढाक। अच्छा आप ढाक के रहने वाले हैं, अभी आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ ये जो रास्ता ख़राब है इस पर परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है? जी बहुत होती है, पापा वापा आते हैं बीमार पड़ जाते हैं, लेने तो जा नहीं पाते। अच्छा बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसे छोटे बच्चे हो, किसी विधायक से या अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? जी मैं मांग करूँगा ये रोड बन जाए, ठीक ठाक हो जाए ये रोड तो ये अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।